दोस्तों आज मैं कहानी लाई हूँ आर्गाइल की, जो एक स्पाई और एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो दिमाग घुमा देगी। सो कहानी की जब शुरुआत होती है तब हम ग्रीस में आर्गाइल नाम के एक खतरनाक स्पाई को देखते हैं, जो एक क्लब में ग्रेस नाम के एक लड़की को पकड़ने के लिए आया होता है। थोड़ी देर में वहां पर ग्रेस आ जाती है, जिसे खुद भी पता होता है कि आर्गाइल उसे ही पकड़ने आया है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करने लगते हैं, फिर डांस भी करते हैं, जिसके बाद ग्रेस एक चुटकी बजाती है जिससे पूरा क्लब आर्गाइल को सीधा गन पॉइंट पे कर देता है। लेकिन आर्गाइल की टीम भी बाहर स्टैंड बाय पे होती है, जिसके एक इशारे पर कियारा नाम की उसकी दूसरी एजेंट पूरे क्लब में स्मोक छोड़ती है और आर्गाइल क्लब से बाहर निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रेज अपने बाइक से आ जाती है और उनके ऊपर पूरी फायरिंग करने लगती है। इसी में कियारा को भी गोली लग जाती है और वो बेहोश होती है। अब आर्गाइल को कियारा को बचाना था, लेकिन तभी उसके बॉस डॉक्टर फॉलर उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में ग्रेज को पकड़ना है, कियारा को हम लोग देख लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रेज बाइक लेकर निकल जाती है, वहीं आर्गाइल अपनी कार लेकर ग्रेज को पकड़ने के लिए नीचे चला जाता है। हम देखते हैं काफी सारे स्टंट करते हुए ये दोनों भी नीचे भाग रहे होते हैं, लेकिन आर्गाइल उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये देखते हुए वो अपने दूसरे एजेंट यानी एजेंट वॉट को कॉल करके कहता है कि वो अब नीचे ही आ रही है, तुम तैयार रहना। और तभी ग्रेज बाइक से वॉट के सामने से गुजरती है और हम देखते हैं एजेंट वॉट एक हाथ से ही ग्रेज को सीधा बाइक से निकाल लेते हैं। अब थोड़े समय के बाद आर्गाइल भी वहां आता है और तीनों भी कैफे में बैठकर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। वॉट ग्रेज से पूछता है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इसकी खबर तुम्हें किसने दी। अब ग्रेज वॉट को अपना फोन अनलॉक करके देती है और वॉट देखता है कि इसमें उन्हीं के बॉस यानी कि डॉक्टर फॉलर का ही मैसेज होता है, जिसने ग्रेस को आर्गाइल को मारने के लिए कहा होता है। अब ये जानने के बाद आर्गाइल और वॉट दोनों भी काफी हैरान होते हैं, लेकिन इसी दरमियान ग्रेस अपने लॉकेट से कुछ खाकर जान ले लेती है और यहीं पे इस नॉवेल की कहानी खत्म होती है। और हम देखते हैं एली कॉनवे को, जो कि एक स्पाई नॉवेल राइटर है, और अभी तक की आर्गाइल, ग्रेज और वॉट की जो कहानी हमने देखी वो सब आर्गाइल नाम के आने वाले नॉवेल की ही कहानी थी जो एली लिख रही होती है। एली ने आर्गाइल के ऊपर अभी तक 4 नॉवेल पब्लिश किए होते हैं जो दुनिया भर में काफी फेमस हुए होते हैं, और ये 5th नॉवेल लिख रही होती है। यहाँ पे उसके फैन के साथ हम मीटअप में उसे देखते हैं, जहाँ पे कॉनर नाम का उसका एक फैन पूछता है कि आप इतनी बारीकी से स्पाई नॉवेल लिखते हो, कहीं आप भी एक स्पाई तो नहीं, लेकिन हंसकर वो मना कर देती है। अब इसके बाद रात में वो घर आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी कैट एल्फी के साथ रहती है, जिसके बाद वो नॉवेल का अगला चैप्टर लिखने लगती है। यहाँ पे लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं एजेंट आर्गाइल और एजेंट वॉट को पता चल गया है कि उनका बॉस भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, और अब उसके अगेंस्ट सबूत लेने के लिए एजेंट आर्गाइल हांगकांग में आता है, जहाँ पे एक लड़की उसे फोन देकर कहती है कि तुम्हें इसी फोन पर हैकर का कॉल आएगा और तुम्हें उससे मिलने के लिए लंदन जाना होगा, जो तुम्हें मास्टर फाइल देगा जिसमें तुम्हारे बॉस के अगेंस्ट प्रूफ है। जिसके बाद आर्गाइल लंदन जाने निकलता है और इसी क्लिफ हैंगर के साथ नॉवेल खत्म हो जाती है। अब आगे आर्गाइल कामयाब होता है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं होता। अब ये कहानी होने के बाद वो फर्स्ट ड्राफ्ट अपने माँ को भेजती है पढ़ने के लिए। अब अगले दिन उसकी माँ पूरी स्टोरी पढ़ती है, लेकिन वो एली से कहती है कि तुम्हें कहानी को क्लिफ हैंगर के साथ नहीं छोड़ना है, आर्गाइल को वो फाइल मिलती है या नहीं ये सब तुम्हें लिखना है, तभी मजा आएगा। लेकिन एली को आगे क्या लिखना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हवामान चेंज करने के लिए वो सोचती है कि वो पेरेंट्स के घर ही 2 दिन चली जाएगी। वो अगले दिन ही निकल जाती है ट्रेन के लिए अपने कैट के साथ। अब ट्रेन में जब होती है तब एडन नाम के एक दूसरे आदमी से उसकी मुलाकात होती है, जो खुद भी आर्गाइल ये नॉवेल ही पढ़ रहा होता है, और तभी वो एली की तस्वीर बुक में देखकर उसे पहचान लेता है, लेकिन एली किसी तरह उसे अवॉइड करती है। अब सफर के दौरान एक आदमी एली का ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है, लेकिन तभी वो एली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त एडन आकर एली को बचा लेता है। और अब देखते ही देखते एक एक करके कोच के सारे मौजूद लोग एली को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर एडन अपने फाइट से सबको मारने लगता है। वही एली चुपकर ये सब कुछ देख रही होती है, और बीच बीच में उसे एडन के बजाय आर्गाइल दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे और भी कोच से लोग आ जाते हैं और एडन से फाइट करने लगते हैं। अब इसी आदमी में वो कॉनर को भी देखती है, जो उसका वही फैन होता है जिसने कॉन्फ्रेंस में स्पाई की बात की थी।
एली उसे खुद को बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो भी एली को मारने आता है। लेकिन एडन सही समय पे उसे बचा लेता है। अब कैसे तैसे ये लोग भागते हुए ट्रेन के आखिरी डब्बे तक आते हैं और जब ट्रेन ब्रिज पर होती है तब एडन एली और एल्फी को लेकर सीधा जंप मारता है और पैराशूट की मदद से ये लोग वहां से भाग निकलते हैं और एली बेहोश होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब रात में एली को होश आता है, वो एक रूम में होती है। तभी वहाँ पे एडन अपने असली रूप में वहाँ पे आता है। कंफ्यूज एली काफी डर जाती है, लेकिन एडन उसे समझाता है कि वो अब सेफ है। एडन आगे बताता है कि वो खुद एक स्पाई है और उसे कैसे भी एली को बचाना है। जिसके बाद वो एली को उसके ही घर की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग एली के घर में घुसकर आर्गाइल इस नॉवेल पे जो अभी वो कहानी लिख रही है उसी का ड्राफ्ट ढूंढ रहे हैं। एडन बताता है कि ये सभी लोग कॉनर के साथ ही आए हुए हैं, जो कि एक डिवीजन नाम के एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है रिटर, और ये लोग तुम्हें इसीलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि तुम जो भी चीजें नॉवेल में अपने लिख रही हो वो रियल लाइफ में इस ग्रुप के साथ हो रहा है। तुम एक फॉर्चून टेलर हो। अब ये सब कुछ सुन के एली को जरा भी विश्वास नहीं होता। वो पूछती है कि अगर मेरी कहानी सच में रियल हो रही है तो रियल लाइफ में आर्गाइल कौन है? तो एडन कहता है, मैं ही आर्गाइल हूँ। जैसे तुमने कल ही अपने नॉवेल में लिखा था कि आर्गाइल लंदन जाके हैकर से मास्टर फाइल लेता है, करेक्ट? वैसे ही कुछ दिनों पहले मैं हैकर से ही मिलने के लिए लंदन गया था। वो डिवीजन के खिलाफ की मास्टर फाइल मुझे देने वाला था और वो मुझे एक वैसे ही फोन पे कॉल करने वाला था जैसे तुम्हारी कहानी में आर्गाइल को एक फोन मिला था, लेकिन वो हैकर मुझसे मिला ही नहीं। अब इसके बाद से डिवीजन और खुद मैं भी उस हैकर को ढूंढ रहे हैं। अब साथ ही वो हैकर कैसे मिलेगा, इसीलिए डिवीजन चाहता है कि तुम आगे के चैप्टर कंप्लीट करो, और इसीलिए वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं ताकि तुम्हारे नॉवेल के थ्रू वो हैकर तक पहुंच सके। एली को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने जस्ट कल लिखी हुई कहानी रियल लाइफ में भी हो रही है। खैर, अब इसके बाद ये लोग कार से प्राइवेट एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहां से जेट से एडन एली को लेकर लंदन जाता है। अब एली को फ्लाई करने से डर लगता था, इसीलिए वो उसे नींद की गोली दे देता है। अब लंदन में आने के बाद ये लोग उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे हैकर ने एडन को मिलने के लिए बुलाया था। अब यहाँ आने के बाद एडन एली को नॉवेल का अगला चैप्टर लिखने के लिए कहता है ताकि उसे हैकर के बारे में पता चले कि उसे कैसे मिल सकते हैं। अब एली यहाँ पे काफी सोचने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखने लगती है और वो इमेजिन करती है कि कैसे आर्गाइल इसी जगह पर हैकर से मिलने आता है, पर वहाँ पे हैकर उससे मिलता ही नहीं है। लेकिन हांगकांग में उस लड़की ने भी आर्गाइल को एक फोन दिया होता है। अब आर्गाइल कार में आकर बैठता है, उसे फोन के पीछे एक इनक्रिप्टेड चिप मिलती है। अब यहाँ पे एजेंट वार्ड उसे बताता है कि इस चिप की मदद से हम उस हैकर की पर्सनल सैटेलाइट को ढूंढ सकते हैं और उसी से हमें हैकर को सैटेलाइट फोन करना है। अब एली ये सब कुछ कर ही रही होती है कि तभी हम दूसरी जगह देखते हैं कुछ लोग एली को पहचान लेते हैं और वो लोग उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करने लगते हैं इंस्टाग्राम पर। अब इसके कारण डिवीजन और उसके लीडर रिटल को पता चल जाता है कि एली कहां पर है और ये लोग आसपास के सीसीटीवी से एक्सेस करके वो कहानी में क्या लिख रही है वो देखने लगते हैं। अब इतना लिखने के बाद एली एडन को कहती है कि अगर तुम्हें हैकर तक पहुंचना है तो तुम्हारे पास भी जो फोन होगा उसके अंदर देखना चिप होगी। लेकिन एडन बताता है कि मैंने तो वो फोन पहले ही फेंक दिया। लेकिन अब इस कहानी के अनुसार इन्हें हैकर का वो प्राइवेट सैटेलाइट ढूंढना होता है जिसके थ्रू ये लोग हैकर से बात कर सकते हैं। तो एडन यूके के प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी का डेटाबेस को हैक करके वैसे ही चिप से कनेक्टेड सैटेलाइट की लोकेशन ढूंढ निकालता है और उन्हें आसपास के ही एरिया के कुछ लोकेशंस मिलते हैं जहां से वो सैटेलाइट एक्सेस किया होता है और ये दोनों उस लोकेशन पे जाने के लिए निकलते हैं। तो वही डिवीजन में रिटर और उसके लोग पूरी फोर्स के साथ उसी लोकेशन पे जाने निकलते हैं। ये दोनों उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जो कि एक बहुत बड़ा रूम है और उन्हें नीचे फ्लोर में ढूंढने पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लॉग बुक होता है और इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में काफी सारे लॉग्स लिखे होते हैं।
एली काफी खुश होती है और कहती है कि हमें इन मैसेजेस को कैसे भी डिक्रिप्ट करना है और उसी से हमें मास्टर फाइल कहाँ है वो मिलेगी। और उसने पहली बार एक रियल लाइफ स्पाई मिशन को क्रैक किया था, इसीलिए वो काफी खुश हो रही होती है। लेकिन तभी एडन जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही होता है, वहाँ पर डिवीजन के सारे लोग पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों भी नीचे की फ्लोर पे छुप जाते हैं, लेकिन बिल्ली के म्याऊ के कारण उन्हें पता चल जाता है। और तभी एडन एक जंप मार के ऊपर आता है और इन सारे लोगों से फाइट करने लगता है। वही एली को देखते हैं, जिसे एडन के बजाय बार बार आर्गाइल नजर आ रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों भी बाकी लोगों से बचकर छत पर आते हैं। अब इन्हें उस बॉक्स में एक बोट की चाबी भी मिली होती है और यहाँ पे नीचे बोट होती है, नीचे काफी सारे मैट्रेस भी रखे होते हैं। अब इन्हें ऊपर से नीचे जंप करना होता है, लेकिन एली डरी हुई होती है, वो मना कर देती है। इसीलिए एडन उसके बिल्ली को ही ऊपर से नीचे फेंक देता है, जो बिचारी सेफली लैंड कर जाती है, जिसके बाद ये दोनों भी नीचे जंप करते हैं और बोट से भाग जाते हैं। अब रात में ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं, जिसके बाद एडन वॉशरूम में जाकर किसी आदमी से फोन पर बात करने लगता है और कहता है एली को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि हम कौन है और मैं जल्दी से उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, लेकिन उसने मेरा दिमाग बहुत ही खराब कर दिया है और मुझे उसे गोली मारने का मन कर रहा है। अब ये सब कुछ सुनकर एली समझ जाती कि एडन भी दुश्मनों से मिला हुआ है, इसीलिए वो उस बुक को और एल्फी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो रोते हुए एक टेलीफोन बूथ के पास आती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और सारी चीजें बताती है। वो कहती है कि ये कॉल भी ट्रैप हो रहा होगा, इसीलिए आपको तुरंत लंदन आना है और कोड वर्ड में एक होटल और होटल के रूम का नाम बताती है। उसके पेरेंट्स भी तुरंत लंदन आने के लिए निकलते हैं। अब रात कैसे तैसे बिताने के बाद अगले दिन दोपहर को वो उसी होटल में उसी रूम में चली जाती है, जहाँ पे फाइनली उसे उसकी माँ मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पिता को ढूंढने लगती है। और पिता जैसे ही आते हैं और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, खुद रीटर होता है, लेकिन एली को ये बात पता नहीं कि उसके पिता उसे मारना चाहते हैं। खैर, अब यहाँ पे एली अपने पेरेंट्स को अभी तक का जो भी हुआ किस्सा है वो सब कुछ बता देती है। साथ ही एली उन्हें हैकर से मिली हुई जो बुक रहती है वो भी दिखाती है, जिसे देखकर रीटर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि इसकी मदद से वो अब मास्टर फाइल की लोकेशन ढूंढ सकता है। और वो अपने चश्मे से इस बुक की फोटोज निकाल कर उसे डिविजन के यहाँ पे भेज रहा होता है। पर तभी वहाँ पे एडन आ जाता है और वो रीटर को गन पॉइंट पे लेकर एली से कहता है कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। अब एली काफी डरी हुई होती है कि तभी रूथ यानी कि उसकी माँ एली को ही गन पॉइंट पे लेती है। ये देखकर एडन रूथ को इसी तरह गोली मार देता है और एली को समझाता है कि जल्दी ही यहाँ पे डिवीजन के लोग आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। अब एली भागा दौड़ी में उसके साथ आ जाती है। अब एली अभी भी शॉक में होती है कि कैसे उसकी माँ ही उसे मारना चाहती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एडन उसे कहता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, ये सब कुछ एक नाटक है, और उसे शांत करने लगता है। लेकिन तभी एली को रियलाइज होता है कि एल्फी उसकी कैट अभी भी होटल में ही है, तो वो वापस जाने लगती है। लेकिन तब तक डिवीजन के लोग बिल्डिंग में आने लगे थे, इसीलिए एडन उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब कार से राइड करते हुए ये लोग अगले दिन तक फ्रांस आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात CIA के फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर अल्फ्रेड सोलोमन से होती है। ये एक वाइनरी होती है। अब यहाँ पे सेटल होने के बाद अल्फ्रेड एली को लेकर अपने हाईटेक रूम में आता है और यहाँ पे कहानी में और एक प्लॉट आता है। अल्फ्रेड बताता है कि अब तुम मिलोगी असली आर्गाइल से, जो कि और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। और हम देखते हैं कि एली असल में एक स्पाई होती है, जिसका नाम होता है रेचल काइल, यानी कि एजेंट आर्काइल। वो आगे कहता है, जो नॉवेल्स तुमने लिखी है वो कोई प्रिडिक्शन या फ्यूचर नहीं बताती, बल्कि ये सारी कहानी तुम्हारी रियल मेमोरी है। और वो उसे कुछ बताने लगता है, लेकिन एली को ये सब कुछ बकवास लगता है और वो गुस्से से जाने लगती है। और तभी एडन से गाड़ी की चाबी मांगती है, लेकिन एडन चाबी देने के बजाय उसे पंच मारने आता है, जिसे एली डिफ्लेक्ट करती है, जो देखकर एडन सीधा उसके ऊपर हमला करता है। और हम देखते हैं एली भी किसी एजेंट की तरह उसे मारने लगती है। अब खुद को ये सब कुछ करता हुआ देख वो खुद भी सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं सच में स्पाई हूँ, जिसके बाद वो एडन से सारा सच पूछती है।
और यहाँ पे एडन बताने लगता है, तुम और मैं दोनों भी स्पाई है और हमें कैसे भी डिवीजन का पर्दाफाश करना था। डिवीजन ये एक CIA का ही दूसरा डिपार्टमेंट है, लेकिन रिटल और उसके सारे लोग टेररिस्ट से मिले हुए हैं और पर्दाफाश करने के लिए तुम हैकर से मिलने गई थी लंदन में। लेकिन उस दिन तब एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन किसी हादसे के कारण तुम कोमा में चली गई थी। मैं वहाँ पे पहुँच पाता इसके पहले ही वहाँ पे रिटल आ गया था, जिसके बाद वो तुम्हें US में अपने ही डिवीजन के हॉस्पिटल में लेकर गया था। तुम पर स्पाई करते हुए मुझे पता चला कि तुम्हारी अब याददाश्त पूरी तरीके से चली गई है और रिटर को कैसे भी उस हैकर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। और तभी रिटर ने डॉक्टर मार्गरेट के साथ मिलकर तुम्हारे माँ बाप होने का नाटक किया। डॉक्टर मार्गरेट एक प्रोफेशनल हिप्नोसिस एक्सपर्ट थी, उन्होंने काफी सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी और तुम्हें हिप्नोटाइज करते हुए एलरी नाम की एक पर्सनालिटी दी। उन्होंने तुम्हें ये भी कहा कि तुम काफी अच्छा लिखती हो और तुम्हारी पहली वाली मेमोरीज यानी स्पाई की मेमोरीज बाहर लाने के लिए उन्होंने तुम्हें एक नॉवेल लिखने के लिए इंस्पायर किया। अब तुम्हारी स्पाई की जितने भी मेमोरीज थी वो सप्रेस थी और उन्हें पिछली जिंदगी के मेमोरीज के ऊपर तुमने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया जिसका नाम था आर्गाइल और अलग अलग स्पाई नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए ये बस एक नॉवेल था, लेकिन इन नॉवेल्स के जरिए रिटल्स को रियल लाइफ में काफी सारी चीजें पता चली। अब तुम आखिरी हिस्से के काफी करीब थी, यानी कि एक बार वो हैकर मिलता तो रिटल का काम होने वाला था, इसीलिए वो तुम्हें मार देता। अब ये सब कुछ सुनने पर एली बहुत ही हैरान होती है और तभी आगे एडन बताता है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम पे नजर रख रहा हूँ, तुम्हारे आसपास इतना ज्यादा पहरा है कि मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता था और इसीलिए रिटल को रोकने के लिए मुझे वापस अल्फ्रेड की मदद लेनी पड़ी। अल्फ्रेड ने CIA को रिटल के बारे में सारी चीजें बता दी थी, लेकिन रिटल ने अल्फ्रेड को ही इसमें फंसा दिया था और उसी के कारण अल्फ्रेड यहाँ पे छुपा हुआ है। अब एडन आगे कहता है कि तुम एक CIA एजेंट हो और इसीलिए डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें उनके मिशन के लिए हायर किया था और इसीलिए हमें रिटल को पकड़वाना है। आगे वो सारे कैरेक्टर्स के नाम बताता है, यानी कि आर्गाइल दरअसल तुम हो, जो एजेंट वॉट है वो मैं हूँ, डॉक्टर फॉलर जो हमारे बॉस थे वो एक्चुअली में रिटर है और हमारी कियारा नाम की एक एजेंट भी है जिसकी ग्रीस में गोली लगने से मौत हो गई थी, इसके बारे में तुमने अपने नॉवेल में भी लिखा है। पर ये सुनकर रेचल कहती है, मैं अगले चैप्टर में कियारा को जिंदा करने वाली थी और उसे जिंदा करने का तरीका मुझे एक फैन ने मेल करके बताया था। वही दूसरी तरफ हम रिटर को देखते हैं, जहाँ पे उसका पूरा डिपार्टमेंट उस बुक को ही डिकोड करने के लिए लगा था ताकि मास्टर फाइल कहाँ है ये ढूंढ सके। इसी दरमियान यहाँ पे अल्फ्रेड आता है और इन दोनों को भी बताता है कि मैंने पूरे बुक को डिकोड कर दिया है और अब मुझे पता है कि मास्टर फाइल किसके पास है। ये सबा अल बादर नाम के एक औरत के पास है जो कि एक सीक्रेट कीपर है। और फाइनली ये लोग सबा के यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे इन दोनों को भी वेट करना था, इसीलिए दोनों भी डांस करने लगते हैं। अब डांस के दरमियान ही एडन एली को बताता है कि जब वो एजेंट थी तब दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बात से वो थोड़ी हैरान होती है। इसी दरमियान सबा इसे बुलाती है और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद उसे पेन ड्राइव दे देती है जो एली उधर ही चेक करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि डिवीजन के सारे लोगों की डिटेल्स उसमें होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे खुद का भी फोटो मिलता है, यानी कि एज ए एजेंट रेचल वो डिवीजन के साथ मिली हुई थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और पैनिक होकर नीचे आने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ पे मार्गरेट आ गई होती है जो दरअसल बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बच गई है और इन दोनों को ड्रिंक्स देती है। अब मार्गरेट रेचल को कहती है कि अब तो तुम्हें सच पता चली गया होगा कि तुम भी डिवीजन के साथ मिली हुई हो। और तभी रेचल को खुद याद आता है 5 साल पहले जब वो हैकर से मिलने गई थी तब उसी ने बताया था कि फाइल सबा के पास है, लेकिन ये जानने के बाद रेचल ने खुद उसी हैकर को मार दिया होता है। लेकिन वो मरने के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्ट में उसके घर में ब्लास्ट होता है और उसी हादसे की वजह से रेचल की याददाश्त चली गई थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद एडन भी काफी हैरान होता है कि वो जिससे प्यार करता था वो दुश्मनों के साथ मिली हुई है। लेकिन तब ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। आगे रेचल को होश आता है तब वो सामने रिटर को देखती है, जहाँ पे रिटर अब रेचल से कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें धोखा दिया, अब फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, अब मैंने सारे सबूत तो मिटा दिए हैं, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, मुझे अल्फ्रेड कहाँ छुपा है इसकी लोकेशन बताओ, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा।
तभी एली कहती है कि मुझे उसका लोकेशन याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ के दे सकती हूँ। तभी वो उसकी कैट दिखाकर पूछता है कि इसका क्या करना है। तो एली कहती है कि मुझे कैट पसंद नहीं है, जो करना है वो करो। और तब जाके रिटल फाइनली रेचल पे भरोसा करने लगता है कि वो उनके साथ है। जिसके बाद रेचल जाकर एडन से मिलती है, जिसे ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं अल्फ्रेड की फ्रांस की लोकेशन देने के लिए। लेकिन उसकी बकवास सुन के एली सीधा बंदूक लेती है और उसे शूट कर देती है। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं। जिसके बाद एली जाकर मेन कंप्यूटर को एक्सेस करने लगती है और फ्रांस की वाइनरी की डिस्क्रिप्शन डालकर वो अल्फ्रेड लोकेशन ढूंढने लगती है। लेकिन ये दरअसल एक नाटक होता है। वो मेन कंप्यूटर को एक्सेस करके उनके खिलाफ जो फाइल्स होती है, जो अभी भी सिस्टम में थी, वो अपलोड करके अल्फ्रेड को भेज रही होती है। लेकिन किसी कारण से ये फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसीलिए वो सर्वर रूम में जाने लगती है। लेकिन पीछे से रीटर आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन एली रीटर और डॉक्टर मार्गरेट को बेहोश करके उसकी कैट एल्फी को लेकर वहां से भाग जाती है और आती है वेपन रूम में। तो यह दूसरी जगह हम देखते हैं एडन अभी भी जिंदा होता है और मेडिकल रूम से वो खुद को इंजेक्शन मार के जिंदा कर देता है, जिसके बाद मलम पट्टी करते हुए वो भी बाहर आता है और वेपन रूम में छुप जाता है, जहाँ पे अब एली आती है। उसे देख कर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे कहती है कि उस टाइम पे मुझे सब कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं उनके साथ मिली हुई नहीं हूँ और मैंने जानबूझकर तुम्हारे दिल के बाजू में ही गोली मारी थी ताकि तुम मरो नहीं, और इसी से मैं कियारा को वापस जिंदा करने वाली थी। यही आइडिया उस फैन ने मुझे बताई थी। अब एडन को ये सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन उसके बात पे भरोसा करता है। इसके बाद ये दोनों भी कुछ हथियार लेकर बाहर आते हैं, लेकिन तब तक पूरी फोर्स इनके ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर ये लोग काफी स्मार्टली अलग अलग कलर्स के फॉग्स रहते हैं, वो आसपास मारने लगते हैं ताकि कोई भी इन्हें देख ना सके, और दोनों भी मजे करते हुए डांस करते हुए सारे लोगों को मारने लगते हैं। अब ऐसा करते हुए कैसे तैसे ये लोग बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे गोलियां चलाने के कारण वहाँ पे काफी सारा ऑयल लीक हो चुका था। अब दोनों पार्टीज को समझ आता है कि यहाँ पे अगर फायरिंग की तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए कोई भी गोली नहीं चलाता। लेकिन तभी एली को याद आता है कि उसे हिप्नोटाइज करके डॉक्टर मार्गरेट ने स्केटिंग सिखाई थी, इसीलिए वो एक प्लान करती है और बंदूक में जो चाकू रहता है वो निकाल कर उसके एक तरह से जूते बनाती है और ऑयल में स्केट करते हुए इन सारे लोगों को मारने लगती है। जिसके बाद ये लोग सर्वर रूम में जाते हैं, जहाँ पे फाइनली वो लोग फाइल एक्सेस करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें रिटर के आंखों की स्कैन की जरूरत होती है। तभी पीछे से रिटर बंदूक लेकर आता है, लेकिन तभी इनकी जो कैट होती है वो सीधा रिटर पर हमला करके उसे खरोच देती है। लेकिन इसके हमले के कारण रीटर की आंखें अब पूरी तरीके से खराब हो गई थी, और तभी एडन रीटर को फाइनली गोली मार देता है, जिसके बाद ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग असल में एक ऑयल टैंकर शिपर है, जहाँ पे दोनों अब शिप के सैटेलाइट डोम से अल्फ्रेड को फाइल फाइनली ट्रांसफर करने लगते है। पर तभी वहाँ पे डॉक्टर मार्गरेट आ जाती है, जो हिप्नोटाइज करने वाली मशीन से वापस एली को हिप्नोटाइज करती है, जिसे एली एडन को मारने है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है कियारा। स्टार्टिंग में कियारा दिखी थी, वो एक्चुअली में असली कियारा, जो कि एक थर्ड एजेंट होती है। उसे भी ठीक उसी तरह गोली लगी थी, जो डॉक्टर मार्गरेट को मार देती है, जिसे अब म्यूजिक डॉल बंद हो जाता है और एली वापस होश में आती है और ये लोग फाइन सेंड करते हैं। अब कियारा को जिंदा देख दोनों भी हैरान होते हैं, और तभी कियारा बताती है असल में गोली मेरे दिल के बाजू में छू कर गई थी और इसीलिए मैं बच गई थी, और यही आइडिया मैंने एली को भेजा था। यानी ये वही फैन थी, वही अब यहाँ पे अल्फ्रेड को फाइल ट्रांसफर हो चुकी होती है। इसी के कारण ये तीनों लोग भी अब बोट से शिप के बाहर निकल आते हैं और फाइनली बच जाते हैं, जिसके बाद इस ऑयल शिप पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं रेचल अपनी नॉवेल इसी एंडिंग के साथ खत्म कर देती है और एक कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल भी एजेंट आर्गाइल की तरह दिख रहा होता है, जिसे देख एली भी बहुत ही हैरान होती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।